देश इस वक्त बारिश की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिससे कई जाने तक चली गई हैं। वहीं दिल्ली से लेकर यूपी में भी जल भराव देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये यूपी के बिजनौर की है, जहां अचानक भोहपुर गांव में नदी का पानी घुस गया, जिससे गाँव में किसानों की खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि भोगपुर गांव के कई घरों में पानी घुस गया। बता दें कि जब भी पहाड़ों पर तेज बारिश होती है तो यहां अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। कल भी नदी का जलस्तर इतना बड़ा कि तेज बहाव पानी भोगपुर गांव में घुस आया। गांव में पानी आने के कारण आज गांव के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाए और मजदूर किसान अपने खेत पर नहीं जा पाए। गांव में जल भराव के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया, जहां जिला प्रशासन के द्वारा गांव में सर्वे किया गया और कितना नुकसान हुआ है ये भी जाना। हालांकि बाढ़ की वजह से लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों की खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि क्या किसानों को इस नुकसान की भरपाई होती है, क्या उन्हें कोई मुआवजा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।